साइबर क्राइम की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आपको आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं कि मेरे एटीएम से पैसे निकाल लिए गए हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम आपके कार्ड को हैक करके दिया जाता है, जिसे कार्ड क्लोन कहा जाता है। इसमें जालसाज किसी डेबिट कार्ड का क्लोन बना लेते हैं, यानी वैसा ही एक डुप्लीकेट कार्ड, फिर उसका इस्तेमाल कर वह आपके बैंक बैलेंस पर हाथ साफ कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका कार्ड क्लोनिंग होता क्या है और इसके जरिए कैसे लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं, जालसाज स्कीमर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल कार्ड क्लोनिंग के लिए करते हैं। इस डिवाइस को एक कार्ड स्वैपिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है और कार्ड स्वाइप होने पर यह कार्ड की डिटेल्स को कॉपी कर लेता है। इसमें अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी शामिल रहती हैं। कॉपी किया गया डेटा एक इंटरनल मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। इसके बाद इस डेटा को एक ब्लैंक कार्ड में कॉपी कर दिया जाता है और फ्रॉड ट्रांजेक्शन को इन्हीं नकली कार्ड के जरिए किया जाता है। जब एटीएम यूजर एटीएम के कीपैड में अपना कार्ड का पिन एंटर करता है तो ओवरले डिसाइजेस के जरिए कार्ड के पिन को रीड कर लिया जाता है। इसके बाद जालसाज इन डिटेल्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। ऐसे में आपकी सावधानी आपका बचाव है। आप जब भी एटीएम में रुपए निकालें तो जांच लें कि कोई स्कीमर तो नहीं है। इसके अलावा आप कीपैड का एक कोना दबाएं, अगर पैड स्कीमर हो तो एक सिरा उठ जाएगा। इससे भी जरूरी है कि मौजूदा समय में आप डेबिट कार्ड का पिन बदल लें, इससे जालसाजों के जाल में फंसने से बच सकते हैं।